हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स किचन। आज हमारे किचन में जो स्पेशल वेज है वो है बैंगन का भरता। देखिए, मैंने एक बैंगन को भून लिया है और इसको पानी में इसलिए रखा है जिससे इसका स्किन जो है बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और मैंने इसके लिए देखिए 2 प्याज, 4 टमाटर और 5 से 6 मिर्ची हरी और लहसुन की कलियाँ, ये 8 से 9 कलियाँ हैं। और अब मैं इन सभी मसालों को बारीक चॉप कर लूँगी, कट कर लूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपको बनाने के प्रोसेस पे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी एज यूजुअल। बर्तन गरम हो गया है और अब मैं इसमें, ये देखिए, मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। आपको जो तेल अच्छा लगता है आप उसमें बना सकते हैं, पर मुझे इसमें सरसों का तेल ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि अच्छा टेस्ट आता है, भुना भुना सूंधी सूंधी खुशबू आती है जो कि हमें गांव की याद दिलाती है। और अब मैंने सारे मसाले चॉप कर लिए हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बैंगन का भरता कैसे बनाती हूँ, आप सभी बनाते होंगे पर किस तरह से बनाते हैं वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इस तेल को मुझे ज़्यादा पकाना पड़ता है क्योंकि इसमें कच्चापन रहेगा तो खाने में टेस्ट ख़राब होता है, इसलिए मैं, अब देखिए इसमें मैं लहसुन की एक कलियों को ऐड कर रही हूँ। मैं इनको थोड़ा ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का ही रेड करके बाकी के मसाले अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए पैन, और अब मैं इसमें, ये मैंने दोनों प्याज अच्छे से चॉप कर दिए हैं और इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए पैन, अब मैं इस प्याज को अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। ये देखिए, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब मैं इसमें ये टमाटर और मिर्ची कटी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी यूज कर रही हूँ और मैं अब इसमें नमक टेस्ट के अनुसार ही यूज करना है और मैं भी टेस्ट के अनुसार यूज कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, और अब हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मैं इसको मीडियम स्लो आंच पे अच्छे से भूनने दूंगी मसालों को। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले भून रहे हैं। मैं इनको थोड़ा और पका लूँगी जिससे मुझे फिर बैंगन ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में और बहुत ही अच्छा भून जाता है, इसलिए मसालों को पहले मैं अच्छे से भून लेती हूँ। और चलिए, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये कलर वाली रेड चिली ऐड कर रही हूँ मिर्ची, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है इसलिए मैं इसको ऐड करती हूँ। चलिए, अब मैंने बैंगन देखे साफ करके अच्छे से कट कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर ऐसे इसी तरह से भूनती रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से भूनना है।
ये देखिए फ्रेंड, भरता कितना अच्छा भून गया है, कितना अच्छे से कलर भी आ गया है। और अब मैं इसमें हरी धनिया, कटी हुई हरी धनिया यूज़ कर रही हूँ, मैंने कट करके रख लिया था। इसमें से मैं ये धनिया ऐड कर ले रही हूँ। और अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बैंगन का भरता बनके एकदम रेडी है। ये देखिए फ्रेंड, बैंगन का भरता एकदम रेडी है। और मैं इसको अभी इस मक्के की रोटी और नॉर्मल चपाती से भी खा सकते हैं, लेकिन मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।